दो आपका चॉकलेट। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आप बताएं? बेटा तेरी तो ख्वाहिश है हज या उमरा। बाबा मैं अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स को जानता हूँ। हाँ हाँ वही जो नियामत तहरी के अपोजिट और जमजम बेकरी के पीछे। ज्यारतें कैसे करूँगा और हैदराबादी खाना? वहाँ पे आपको ज्यारतें अच्छे से हो जाएगी। वो हैदराबादी खाना 3 टाइम लजीज खाना ईरानी चाय के साथ। और अब्बाजान आपको पता है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट है। मक्का मदीने को जाने के लिए वहाँ पे एसी बस का भी इंतजाम है। अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप भी तशरीफ लाएं। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। कब्रिस्तान को गेट लगाकर कुछ लोगों को अंदर जाने से इनकार करने पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा। खबर है हल्के उपगुड़ा चंद्रायन गुट्टा से, जहां चंद्रायन गुट्टा के इलाके गुलशन इकबाल कॉलोनी में मौजूदा कदीम कब्रिस्तान जो कि मस्जिद हस्सा से मुतसिल है, यहां पर कुछ शरपसंद अनासिर ने गेट लगाकर कब्रिस्तान में जाने से कुछ लोगों को रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए समद बिन अब्दाद ने कहा कि ये एक ओपन कब्रिस्तान है, पर अब यहाँ पर किंग कोडी के रहने वाले अहमद अलमरी और बारकस के हबीब दोनों कब्रिस्तान पर गेट लगाकर मख्तूल कर दिए। आज इस कब्रिस्तान में किसी की फातिहा थी, जब इनके रिश्तेदार फातिहा के लिए आए तो हबीब नामी शरपसंद ने कहा कि अहमद अलमरी नहीं है और इनकी इजाज़त के बगैर गेट नहीं खोल सकते। इस वाक़े के साथ ही मुकामी लोगों में शदीद गम व गुस्सा फूट पड़ा। अतराफ और अकनाफ की अवाम कसी तादाद में वहां पर जमा हो गई और गेट को हटाया गया। समद बिन अब्दाद ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत संतोष नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई और इन्होंने अवाम को तयखुन दिया है कि इन दोनों शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसील उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। आज शाम ठीक 8 बजे जो है किला मिली के बल्दी हल्के उपगुड़ा हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मोहल्ले गुलशन इकबाल कॉलोनी में एक कब्रस्तान है जो मदीद हस्सा से मुतासिल लगा हुआ है। उनको वो करीब 1987 से वो कब्रस्तान जो है वहाँ पर वो लोगों की जो है तदफीन किया जा रहा है और वो ओपन कब्रस्तान है। अचानक से जो है आज जो एक किंगकोटी के रहने वाले कोई साहब, उनका नाम बताया जा रहा है कि जो अहमद अलामरी है और उनके हमरा जो है एक बारकस के कोई हबीब साहब करके है, जो वहाँ पर आके जो है गेट लगा दिए और गेट लगा के जो है उसको मकबूल कर दिए। उसी वक्त कोई एक जो है कोई 20वीं की या 10वीं की किसी की फातिहा थी जो मरहूम वहाँ पे कोई मदफून थे सैयद इसाक साहब के जो है करीबी रिश्तेदार, वो लोग गए तो बोले कि नहीं भाई ये टाइम नहीं है, बहरहाल जो है अब वो अहमद साहब नहीं है, उनकी इजाज़त के बगैर जो है कब्रिस्तान नहीं खुलेंगे। तो वहाँ पर जो है लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद में आजू बाजू की जितनी बस्तियाँ गुलशन इकबाल कॉलोनी, सुफियन कॉलोनी, नसीब नगर, मुनक्की फुलबाग, अहमद कॉलोनी के पूरे लोग जमा होके वो जो है गेट जो थी हटा दी और मुझे जो है इत्तला मिली तो फौरी तौर पर मैं जो है वो लोग को तरकीब दिया कि भाई कानूनी को जो है उसे काम ले, कानून के जरिए काम ले, आप लोग पुलिस स्टेशन आए। और मैं उनके हमरा जो है पुलिस स्टेशन संतोष नगर गया। जाने के बाद में उनके खिलाफ में जो है अहमद अलामरी और हबीब साहब और उनके पूरे जितने भी इनका सिंडिकेट है उनके खिलाफ में जो है शिकायत दर्ज की गई। पुलिस जो है इंस्पेक्टर संतोष नगर ने तहरीरी शिकायत देते हुए तयखुन दिया कि तहकीकात की जाएगी और इस पर जो है कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद अजान इसकी इतला हबीब मिलदारी जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे ईवान मुखन्ना वो मुकामी रुकन असम्बली और मोहतरम हबीब नकीब मिलदारी जनाब अलहाज बरेसद्दीन अवैसी साहब सदर मिली से इत्तेहादुलमुस्लिमीन उनको दी गई। उन्होंने हिदायतें दी कि हमको मेरे हमरा जो है उपगुड़ा डिवीज़न के कॉरपोरेटर फाहत अब्दुल समद बिन अब्दाद भी थे, हमको इतला हमको जो है ये हिदायत मिली कि जो है आप पुलिस से शिकायत जो लोग करना चाह रहे हैं उनको शिकायत करवा दें जो भी वाक़या हुआ, और पुलिस से मुतालबा किया गया कि आप जो है तहकीकात करते हुए इस जुर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।